गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम एमिनोरिया के बारे में पढ़ेंगे। एमिनोरिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली एब्सेंट तब होता है जब वुमेन या तो प्रेग्नेंट है या फिर शी इज़ लैक्टेटिंग, मतलब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं। सो मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस एक और कंडीशन से होता है, या तो स्ट्रेस फीमेल ले रही है या तो मैल नरिश्ड है, अदर फैक्टर्स भी है जैसे हम बात करेंगे आगे। दो तरह के कॉजेज होते हैं, जैसे कि प्राइमरी कॉज होता है, एक सेकेंडरी कॉज होता है। प्राइमरी कॉज में होता है कि पीरियड्स नहीं आया है, और मतलब स्टार्टिंग से ही पीरियड्स नहीं आया है। वुमेन 14 ईयर एज हो चुकी है, स्टिल द पीरियड्स नहीं है, नहीं आ रहा है। और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट है, जैसे कि बात करें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ना होना और पीबिक हेयर नहीं आना, ये प्राइमरी कॉज है। और एक और कॉज होता है कि यूट्रस डीजनरेटिव है। यूट्रस का मतलब यूट्रस जो है वो मतलब बच्चेदानी जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो डेवलप्ड ही नहीं है, तो ये प्राइमरी कॉज हो सकता है। और सेकेंडरी कॉज ये है कि मतलब उनको पीरियड्स था, हो रहा था, बट ड्यू टू सम कंडीशन कुछ फैक्टर्स की वजह से उनको पीरियड्स नहीं आया। मतलब पहले पीरियड्स आते थे, बट 3 मंथ तक अगर पीरियड्स नहीं आ रहा है, एब्सेंट है, तो मतलब ये सेकेंडरी कॉज है। तो क्या क्या रीज़न है कि पीरियड्स नहीं आ रहा है? या तो हार्मोनल फैक्टर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, या तो बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, या तो हाइपोथैलेमस कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, जैसे मतलब हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर हो गया, गोनाडोट्रोपिन्स की डिफिशेंसी हो गई, मतलब FSH LH की डिफिशेंसी हो गई। और कुछ जैसे कि बात करूँ, फीमेल मैन नरिश्ड है, ठीक से खान पान नहीं खा रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में ले रही है बॉडी, अगर वेट बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे रीज़न होते हैं। और डिप्रेशन भी एक कॉज है जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है डिस्टर्ब्ड होता है। तो क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना भूल गई आपको, कि क्या क्या सिम्टम्स फीमेल्स लेकर आएगी। जैसे जिसको है उनको एक्ने होगा, ठीक है, जो पीरियड्स नहीं होते जिनको, उनको फेस में पिंपल्स होता है, एक्ने होता है। और हिर्सुटिज्म, मतलब की बात करूँ फेस में हेयर्स हो जाएंगे, फेस ऑल ओवर द बॉडीज हेयर्स हो जाएंगे। और BP उनका जो होगा वो एबनॉर्मल होगा, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा उनको एंजाइटी होगा। ये सारे केसेस फीमेल लेकर आती हैं। और हेडेक भी एक कॉज है, और नॉजिया होता है, मतलब उल्टी जैसा लगना बट उल्टी नहीं हो रहा है। तो क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं? मेनली हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम जनरली हॉर्मोन्स लेवल देखते हैं, मेनली FSH, LH देखते हैं, TCH, थायरॉयड फंक्शन टेस्ट करते हैं, बिकॉज थायरॉयड की एबनॉर्मलिटी से T1, T2 की एबनॉर्मलिटी से मेनली क्या होता है ना, सॉरी T2, 3T के एबनॉर्मलिटी से मेनली क्या होता है ना, पीरियड्स ठीक से नहीं आते, थायरॉयडोथायरॉयड और T3 और T4। तो उस समय भी पीरियड्स ठीक से नहीं आते, और प्रोलैक्टिन लेवल जो है हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम भी पीरियड्स नहीं आता है। हम CT और MRI भी परफॉर्म करते हैं पेशेंट के लिए, और अल्ट्रासोनोग्राफी मेनली करते हैं, USG करते हैं, मेनली टू सी द इधर देर इज़ एबनॉर्मलिटीज इन द यूट्रस, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या तो PCOS तो नहीं है, उस वजह से भी होता है। सो मेनी मैनेजमेंट की बात करें तो हम ड्रग थेरेपी देते हैं, ड्रग्स में जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं हम लोग पेशेंट्स को। और एक और चीज़ करते हैं, हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, और सर्जरी है, और जिसको ये सब फाइंड आउट करने के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तो सो मेन फैक्टर है कि आप मैल नरिश्ड हैं, आप खान पान ढंग से खाएं, कैल्शियम ध्यान रखें कि कम से कम 1000 mg पर डे आपको खाना है, मैग्नीशियम खाना है 600 mg अराउंड खाना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स खाएँ, ध्यान रखें कि एंजाइटी से आप दूर रहें, ठीक है, और योगा परफॉर्म करें, मेडिटेशन करें, और लाइफस्टाइल अपना चेंज करें, सोने बैठने का तरीका अपना चेंज करें, तो निश्चित ही आपको पीरियड्स टाइम पे आएगा। थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम एमिनोरिया के बारे में पढ़ेंगे। एमिनोरिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली एब्सेंट तब होता है जब वुमेन या तो प्रेग्नेंट है या फिर शी इज़ लैक्टेटिंग, मतलब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है. सो मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस एक और कंडीशन से होता है, या तो स्ट्रेस फीमेल ले रही है या तो मैल नरिश्ड है, अदर फैक्टर्स भी है जैसे हम बात करेंगे आगे. दो तरह के कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि प्राइमरी कॉज होता है, एक सेकेंडरी कॉज होता है. प्राइमरी कॉज में होता है कि पीरियड्स नहीं आया है, और मतलब स्टार्टिंग से ही पीरियड्स नहीं आया है. वुमेन 14 ईयर एज हो चुकी है, स्टिल द पीरियड्स नहीं है, नहीं आ रहा है. और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट है, जैसे कि बात करें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ना होना और पुबिक हेयर नहीं आना, ये प्राइमरी कॉज है. और एक और कॉज होता है कि यूट्रस डीजनरेटिव है. यूट्रस का मतलब यूट्रस जो है वो मतलब बच्चेदानी जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो डेवलप्ड ही नहीं है, तो ये प्राइमरी कॉज हो सकता है. और सेकेंडरी कॉज ये है कि मतलब शी उनके उनको पीरियड्स था, हो रहा था, बट ड्यू टू सम कंडीशन कुछ फैक्टर्स की वजह से उनको पीरियड्स नहीं आया. मतलब पहले पीरियड्स आते थे, बट 3 मंथ तक अगर पीरियड्स नहीं आ रहा है, मतलब एब्सेंट है, तो मतलब ये सेकेंडरी कॉज है. तो क्या क्या रीज़न है कि पीरियड्स नहीं आ रहा है? या तो हार्मोनल फैक्टर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, या तो बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, या तो हाइपोथैलेमस कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, जैसे मतलब हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर हो गया, गोनाडोट्रोपिन्स की डिफिशेंसी हो गई, मतलब FSH LH की डिफिशेंसी हो गई. और कुछ जैसे कि बात करूँ फीमेल मैन नरिश्ड है, ठीक से खान पान नहीं खा रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में ले रही है बॉडी, अगर वेट बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे रीज़न होते हैं. और डिप्रेशन भी एक कॉज है जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है डिस्टर्ब होता है. तो क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना भूल गई आपको कि क्या क्या सिम्टम्स फीमेल्स लेकर आएगी. जैसे जिसको है उनको एक्ने होगा, ठीक है, जो पीरियड्स नहीं होते जिनको, उनको फेस में पिंपल्स होता है, एक्ने होता है. और हिर्सुटिज्म मतलब की बात करूँ फेस में हेयर्स हो जाएंगे, फेस ऑल ओवर द बॉडीज हेयर्स हो जाएंगे. और BP उनका जो होगा वो एबनॉर्मल होगा, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा उनको एनजाइटी होगा. ये सारे केसेस फीमेल लेकर आती हैं. और हेडेक भी एक कॉज है, और नॉजिया होता है, मतलब उल्टी जैसा लगना बट उल्टी नहीं हो रहा है. तो क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं? मेनली हम ब्लड टेस्ट करते हैं. ब्लड टेस्ट में हम जनरली हॉर्मोन्स लेवल देखते हैं, मेनली FSH, LH देखते हैं, TCH. थायरॉयड फंक्शन टेस्ट करते हैं, बिकॉज थायरॉयड की एबनॉर्मलिटी से T1, T2 की एबनॉर्मलिटी से मेनली क्या होता है ना, सॉरी T2, 3T के एबनॉर्मलिटी से मेनली क्या होता है ना, पीरियड्स ठीक से नहीं आते. थायरॉयडोथायरॉयड और T3 और T4 सॉरी, तो उस समय भी पीरियड्स ठीक से नहीं आते. और प्रोलैक्टिन लेवल जो है हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम भी पीरियड्स नहीं आता है. हम CT और MRI भी परफॉर्म करते हैं पेशेंट के लिए, और अल्ट्रासोनोग्राफी मेली करते हैं, USG करते हैं मेली, टू सी द इधर देर इज़ एबनॉर्मलिटीज इन द यूट्रस. यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या तो PCOS तो नहीं है, उस वजह से भी होता है. सो मेनी मैनेजमेंट की बात करें तो हम ड्रग थेरेपी देते हैं. ड्रग्स में जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं हम लोग पेशेंट्स को. और एक और चीज़ करते हैं, हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं. और सर्जरी है, और जिसको ये सब फाइंड आउट करने के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तो मेन फैक्टर है कि आप मैल नरिश्ड हैं, आप खान पान ढंग से खाएं, कैल्शियम ध्यान रखें कि कम से कम 1000 mg पर डे आपको खाना है, मैग्नीशियम खाना है 600 mg अराउंड खाना है, ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स खाएँ, ध्यान रखें कि एंजाइटी से आप दूर रहें, ठीक है. और योगा परफॉर्म करें, मेडिटेशन करें, और लाइफस्टाइल अपना चेंज करें, सोने बैठने का तरीका अपना चेंज करें, तो निश्चित ही आपको पीरियड्स टाइम पे आएगा. थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक दिस वीडियो. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम एमिनोरिया के बारे में पढ़ेंगे. एमिनोरिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली एब्सेंट तब होता है जब वुमेन या तो प्रेग्नेंट है या फिर शी इज़ लैक्टेटिंग, मतलब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है.
सो मेनली मेस्ट्रो साइकिल एब्सेंस एक और कंडीशन से होता है, या तो स्ट्रेस फीमेल ले रही है या तो मैल नरिश्ड है, अदर फैक्टर्स भी है जैसे हम बात करेंगे आगे. दो तरह के कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि प्राइमरी कॉज होता है, एक सेकेंडरी कॉज होता है. प्राइमरी कॉज में होता है कि पीरियड्स नहीं आया है, और मतलब स्टार्टिंग से ही पीरियड्स नहीं आया है. वुमेन 14 ईयर एज हो चुकी है, स्टिल द पीरियड्स नहीं है, नहीं आ रहा है. और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट है, जैसे कि बात करें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ना होना और पीबिक हेयर नहीं आना, ये प्राइमरी कॉज है. और एक और कॉज होता है कि यूट्रस डीजनरेटिव है. यूट्रस का मतलब यूट्रस जो है वो मतलब बच्चेदानी जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो डेवलप्ड ही नहीं है. तो ये प्राइमरी कॉज हो सकता है. और सेकेंडरी कॉज ये है कि मतलब उनको पीरियड्स था, हो रहा था, बट ड्यू टू सम कंडीशन कुछ फैक्टर्स की वजह से उनको पीरियड्स नहीं आया. मतलब पहले पीरियड्स आते थे, बट 3 मंथ तक अगर पीरियड्स नहीं आ रहा है, मतलब एब्सेंट है, तो मतलब ये सेकेंडरी कॉज है. तो क्या क्या रीज़न है कि पीरियड्स नहीं आ रहा है? या तो हार्मोनल फैक्टर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, या तो बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, या तो हाइपोथैलेमस कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, जैसे मतलब हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर हो गया, गोनाडोट्रोपिन्स की डिफिशेंसी हो गई, मतलब FSH LH की डिफिशेंसी हो गई. और कुछ जैसे कि बात करूँ फीमेल मैन नरिश्ड है, ठीक से खान पान नहीं खा रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में ले रही है बॉडी, अगर वेट बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे रीज़न होते हैं. और डिप्रेशन भी एक कॉज है जिससे मेस्ट्रुअल साइकिल जो है डिस्टर्ब होता है. तो क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना भूल गई आपको कि क्या क्या सिम्टम्स फीमेल्स लेकर आएगी. जैसे जिसको है उनको एक्ने होगा, ठीक है, जो पीरियड्स नहीं होते जिनको, उनको फेस में पिंपल्स होता है, एक्ने होता है. और हिर्सुटिज्म मतलब की बात करूँ फेस में हेयर्स हो जाएंगे, फेस ऑल ओवर द बॉडीज हेयर्स हो जाएंगे. और BP उनका जो होगा वो एबनॉर्मल होगा, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा उनको एनजाइटी होगा. ये सारे केसेस फीमेल लेकर आती हैं. और हेडेक भी एक कॉज है. और नॉजिया होता है, मतलब उल्टी जैसा लगना बट उल्टी नहीं हो रहा है. तो क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं? मेनली हम ब्लड टेस्ट करते हैं. ब्लड टेस्ट में हम जनरली हॉर्मोन्स लेवल देखते हैं, मेनली FSH LH देखते हैं, TCH, थायरॉयड फंक्शन टेस्ट करते हैं, बिकॉज थायरॉयड की एबनॉर्मलिटी से T1 T2 की एबनॉर्मलिटी से मेनली क्या होता है ना, सॉरी T2 3T के एबनॉर्मलिटी से मेनली क्या होता है ना, पीरियड्स ठीक से नहीं आते. थायरॉयडोथायरॉयड और T3 और T4 सॉरी, तो उस समय भी पीरियड्स ठीक से नहीं आते. और प्रोलैक्टिन लेवल जो है हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम भी पीरियड्स नहीं आता है. हम CT और MRI भी परफॉर्म करते हैं पेशेंट के लिए, और अल्ट्रासोनोग्राफी मेली करते हैं, USG करते हैं मेली, टू सी द इधर देर इज़ एबनॉर्मलिटीज़ इन द यूट्रस. यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या तो PCOS तो नहीं है, उस वजह से भी होता है. सो मेनी मैनेजमेंट की बात करें तो हम ड्रग थेरेपी देते हैं. ड्रग्स में जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं हम लोग पेशेंट्स को. और एक और चीज़ करते हैं, हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं. और सर्जरी है, और जिसको ये सब फाइंड आउट करने के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तो मेन फैक्टर है कि आप मैल नरिश्ड हैं, आप खान पान ढंग से खाएं, कैल्शियम ध्यान रखें कि कम से कम 1000 mg पर डे आपको खाना है, मैग्नीशियम खाना है 600 mg अराउंड खाना है, ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स खाएं, ध्यान रखें कि एंजाइटी से आप दूर रहें, ठीक है. और योगा परफॉर्म करें, मेडिटेशन करें, और लाइफस्टाइल अपना चेंज करें, सोने बैठने का तरीका अपना चेंज करें, तो निश्चित ही आपको पीरियड्स टाइम पे आएगा. थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक दिस वीडियो.